नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। लीजिए पेश है मालवा अंचल की खबरें। शामगढ़ बस स्टैंड से डिंपल चौराहे तक नगर परिषद द्वारा रोड चौड़ीकरण किया गया था, जिसे एक साल भी पूरा नहीं हुआ, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए तो कहीं रोड बैठ गया। एक साल पहले जब रोड का निर्माण चल रहा था, तभी रोड की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधि द्वारा आवाज उठाई गई थी तथा कार्य को रोका भी गया था। अधिकारियों की साठगांठ से रोड बन चुका, लेकिन अपना एक साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। मंदसौर में एक युवती प्रियांशी पुत्री आशीष देवड़ा निवासी अभिनंदन कॉलोनी ने शिवना ब्रिज से शाम को 7:30 बजे अज्ञात कारणों से छलांग लगा दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची। गोताखोरों ने रात को 11:45 पर शिवना नदी से कड़ी मशक्कत कर युवती के शव को बाहर निकाला, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। कल पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। और अब खबर नीमच से। मावठे के बाद अब जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार पारा गिर रहा है। ऐसे में लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों पर है जो फुटपाथ या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां उन्हें रात को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। उन्हें सर्द हवाओं का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नगर पालिका ने अब शहर की प्रमुख जगह, जिनमें बस स्टैंड, जिला चिकित्सालय, फव्वारा चौक, चौकन्ना बालाजी, जहां पर लोग रात गुजारते हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था आज से ही कर दी गई है। लगातार सर्द हवाएं जिले में चल रही है और पारा रात के साथ साथ अब दिन में भी गिरता चला जा रहा है। नीमच की सामाजिक संस्था स्वच्छता विकास अभियान के द्वारा देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा बिठाई गई। नीमच के पारसी बावड़ी स्थित पार्क में स्थापित करने और साथ ही पार्क के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि बावड़ी पार्क को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करके संस्था द्वारा उसे खूबसूरत स्मारक के रूप में डेवलप किया जा रहा है, मगर इसके लिए संस्था आसपास के अतिक्रमण को हटाना चाहती है। 2 वर्ष से तय किया था कि हमको ये अपने को पार्थी बावड़ी में उसको अच्छा बनाने के लिए मूर्तियाँ स्थापित करना है। उसमें आज हमारे पास में भगत सिंह की, राजगुरु की और सुखदेव की मूर्तियाँ आ चुकी हैं। उनको टाउन हॉल में रखा हुआ है। हम लोगों ने सोचा किया था कि इसे पार्थी बावड़ी को जो गंदा कर रखा है उसको एक रूप देना है और ये आकर्षक ये स्थान बन जाए, लोग देखने को आएँ। इसलिए इसके जो लोग अंधे सामाजिक व्यक्ति बैठते हैं वो नहीं बैठेंगे और इसको साफ हो जाएगा, उसको नए रूप मिलेगा। इसलिए हमने इसको बनवाया और 2 साल पहले ऑर्डर किया था। नीमच जिले की जीरन तहसील के पिछड़े इलाकों में स्थापित श्रीनाथ क्रेशर द्वारा किए जा रहे मनमाने कार्यों से परेशान होकर आज बड़ी संख्या में गांव खेड़ा के ग्रामीण नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि क्रेशर से ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मनमाने ढंग से उत्खनन हो रहा है, साथ ही इसके कारण मवेशियों को भी नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन तमाम पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करते हुए क्रेशर संचालकों द्वारा अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इन तमाम शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि क्रेशर संचालक पर कार्रवाई हो, साथ ही इस क्रेशर को जल्द से जल्द बंद किया जाए। पिछले 4 सालों से हम इस श्रीनाथ केसर स्टोन के जो माफिया लोग हैं उनसे हम संघर्ष कर रहे हैं। ये आए दिन हमको परेशान करते हैं। पहले भी जो जब वर्तमान सरकार थी उन्होंने संज्ञान में लिया था और ये क्रेशर बंद हो गया था। इस क्रेशर भूमि का से विवाद का पुराना नाता है। यहाँ पहले भी एक परिवार ने इन माफियाओं से परेशान होकर परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी, जिससे कि वो जो भी स्टोन केसर के मालिक थे वो मतलब जेल में भी रहे थे। तो अभी भी हम काफ़ी परेशान हैं। मैंने अपने माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल व शिवराज सिंह जी चौहान को आदर्श मानकर मैंने अपनी निजी जमीन पे वहाँ गौशाला भी खोल रखी है। वो नीमच जिले के नए SP सूरज कुमार वर्मा ने SP ऑफिस पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर चिराग की ये रिपोर्ट। 2013 IPS बैच के युवा अधिकारी सूरज वर्मा इससे पहले इंदौर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पर कार्यरत थे।
ट्रैफिक को लेकर वे काफी सुर्खियों में रहे और तेज तर्रार जोशीले अधिकारी माने जाते हैं। एसपी ऑफिस पहुंचने पर नवागत एसपी सूरज कुमार वर्मा का एडिशनल एसपी एसएस गणेश और पूरे स्टाफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नीमच में कोरोना संकट काल में आर्थिक रूप से परेशान अभिभावकों को अब भी कई स्कूलों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। आज ऐसा ही एक मामला नीमच के इंदिरा नगर में संचालित विजडम स्कूल का सामने आया, जहां परिजन शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते फीस के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाए और आज ऐसे कई छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। फर्स्ट है, नाइन्थ है, तीन बच्चे हैं और अभी फोर्थ वालों का एग्जाम है, तो हमने फीस जमा नहीं कराई सर, तो बच्चों का व्हाट्सअप भी नहीं करा, मतलब एग्जाम पेपर, और मैम से बात करी तो नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर रखा और बोल रहे जो आपको करना है वो कर लो, पहले आप फीस जमा कराओ। विजडम स्कूल हाई सेकेंडरी, वहाँ प्रबंधन से बात की पड़ेगी? हाँ, बात की तो बोल रहे कि फीस तो पूरी जमा करानी पड़ेगी। नीमच शहर के सीआरपीएफ रोड पर गोल चौराहे के पास बीते कुछ दिनों पहले नगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन के लिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया था। नगर पालिका काम को अधूरा छोड़कर भूल गई, उसके ऊपर डामर करवाने के बजाय मिट्टी डाल दी गई, जिसके चलते गड्ढे की मिट्टी में माल से भरा हुआ ट्रक फंस गया, जिसे करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नगर पालिका की लापरवाही से ट्रक बीच सड़क पर फंसने के बाद रोड पर जाम लगा रहा, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने अब भी गड्ढों की कोई सुध नहीं ली। यही आलम शहर की और सड़कों का भी है। और अब खबर सीतामऊ से। प्रशासनिक टीम फिर बेलारी पहुंची। एसडीएम बिहारी सिंह के नेतृत्व में आज फिर माफियाओं के आशियानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। पिछले दिनों थाना प्रभारी के ऊपर फायरिंग करके बदमाश फरार हुए थे, टीम के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर और खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663। डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021। समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक सुन्न रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथ में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट, घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608, 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हमारा पता है नीम चौक मेन रोड श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 0940668663।